वेलकम टू माई चैनल ट्रैवल गुरु। अगर आप पहली बार चैनल पे वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले मेरा वीडियो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसा वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। आज हम सागर डिस्ट्रिक्ट जो मध्य प्रदेश में है, जहां हम न्यू होटल को एक्सप्लोर करेंगे जिसका नाम है द हेरिटेज कन्वेंशन, जो कि कैनरा देव रोड में है, जो कि सिटी से 5-6 किलोमीटर आउटर में बना है। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम इस होटल के अंदर जा रहे हैं जिसका इंटीरियर बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है, एकदम 5-स्टार होटल की तरह, जहां आपके लिए लग्जरी रूम, कॉन्फ्रेंस हॉल, बैंकेट हॉल और रेस्टोरेंट देखने को मिलता है। यहां पर शादियों के लिए ये होटल को बुक कराया जाता है। हम आपको अपने रूम में ले जा रहे हैं जिसको मैंने बुक कराया था मात्र 2500 रुपये में देकर। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ का वॉशरूम दिखाता हूँ, जो कि बहुत ही लेटेस्ट और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और काफ़ी स्पेस भी आपको यहाँ देखने को मिलता है। उसके बाद मैं आपको बेड दिखाता हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, और सोफ़ा जो कि सोफ़ा भी है और साथ ही साथ बेड भी है, ज़रूरत पड़ने पर ये बेड भी बन जाता है। फिर हम लोग आपको बाहर की तरफ ले चलते हैं, यानी बालकनी एरिया में ले चलते हैं, जो कि इस रूम के साथ अटैच है, जो कि बहुत ही अच्छे अच्छे होटल में आपको मिल जाता है। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ अंडर कंस्ट्रक्शन पूल है, जो कि आने वाले टाइम में लोग इसका भी लुत्फ उठा पाएंगे। फिर मैं हम लोग शाम में हम लोग रेस्टोरेंट में चलेंगे, जहाँ हम लोग रेस्टोरेंट को एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए, हम लोग रेस्टोरेंट में हम आ चुके हैं, जहाँ मैंने चाउमीन ऑर्डर किया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और टेस्टी बना था। तो मेरे को ये यहाँ का खाना और यहाँ पास नाश्ता भी सब कुछ मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। फिर हम लोग इसके रेस्टोरेंट को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, और देखिए यहाँ पास बहुत ही खूबसूरत झूमर है, जो कि अब मैं यहाँ पास देख पा रहा हूँ। यहाँ पास काफ़ी लोगों को बैठने के लिए यानी सीटिंग एरिया काफ़ी बड़ा है, यानी काफ़ी लोग एक साथ यहाँ पास खाना खा सकते हैं। और फिर हम लोगों को यहाँ पास मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर किया है और मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। मैंने तो काफ़ी एरिया इसको कवर भी किया है, आपको वीडियो में दिख भी रहा होगा। और उसके बाद हम लोग इसका आउटडोर देखने चलते हैं, इसका बाहर का एरिया कैसा है। और हम लोग बाहर की तरफ चलते हैं और दिखाते हैं कि रेस्टोरेंट का बाहर का एरिया कैसा है, जो कि होटल के ही कैंपस में है। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा, इसका जो बाहर का एरिया है बहुत ही हरा भरा है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। मेरा वीडियो आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा, लाइक कर दिया होगा और कुछ ना कुछ आप कमेंट भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।